एनवायरमेंट लवर्स, आज मैं आपको कुछ खास चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए इन पेड़ों की क्या अहमियत है। अब ये होटल है चाय का, इसके ऊपर देखिए यहाँ पे जो है पेड़ है और पेड़ के नीचे छाया है और इधर देखिए कितनी धूप है। अब कहने का मकसद क्या है कि ये अगर आप इधर दिखाएंगे तो यह बिल्डिंग भी है, लेकिन कोई चाय पीने आएगा तो बाहर बैठेगा क्योंकि वो बिल्डिंग जो है वो तपेगी और ये जो पेड़ है इसकी छाया ठंडी है तो ये हवा भी देगी और ठंडा भी रखेगी। लेकिन आज जो है बड़ा ही अजीब माहौल हो गया है। हम लोग ना पेड़ों को काट रहे हैं, पेड़ों की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रहे। तो आज मैं आपको कुछ चीजें ऐसी दिखाऊंगा पेड़ों के बारे में जो आपको सोचने में मजबूर कर देंगे कि हमें पेड़ लगाना चाहिए या काटना चाहिए, क्योंकि आज हम जो है तरक्की के लिए पेड़ों को बहुत आराम से काटे चले जा रहे हैं। एनवायरमेंट लवर्स, आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये कैसा कितना बड़ा पेड़ है और यहाँ कैसी धूप हो रही है, तपती धूप है। इस टाइम तो फिर भी शाम का वक्त है, सूरज ढल रहा है, लेकिन दिन में कैसी धूप होती है, सख्त धूप। उसके बाद भी देखिए पेड़ की छाया का फायदा देखिए कि पूरा बाजार चल रहा है, क्योंकि अगर ये पेड़ नहीं होता, छाया नहीं होती, तो कोई रुक भी नहीं सकता था। तो इस बियाबान में जो हमने काट डाले हैं पेड़, फिर भी कुछ पेड़ बचे हैं, तो वो देखिए कितना हमें आसरा दे रहे हैं। अगर आप दिखाएंगे कितनी अच्छी मार्केट चल रही है यहाँ पे, तो ये जो है ये पेड़ की जो है ये खूबसूरती है कि हवा भी देता है, छाया भी देता है। लेकिन हम लोगों को कुछ बेर हो गया है आजकल कि हम पेड़ काटे डाल रहे हैं, हम ये नहीं देख रहे हैं कि पेड़ के क्या फायदे हैं। तरक्की के नाम पे, प्लांटिंग के नाम पे हम जो क्या कर रहे हैं, बस काटे डाल रहे हैं पेड़ों को। अरे भाई आप बनाइए रोड, बनाइए, ये जो रोड जा रहा है ये नैनीताल को जा रहा है, ये हमारे आगे खेत वगैरह हैं। हम बचपन में जाते थे यहाँ पे तो हमें जो है धूप नहीं दिखती थी, इतने पेड़ थे। आज आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको पेड़ ही नहीं मिलेगा। आगे जो मेन आपका जो हाईवे लगेगा तो सिर्फ धूप मिलेगी। आप पानी भी पीना उतर के, बच्चे को उल्टी हो जाए तो कुछ हो जाए तो आप उतरना भी पसंद नहीं करेंगे, ये हाल है। तो जरा सोचिए कि कम से कम आप अपने घरों के बाहर पेड़ लगा लिए ताकि इन परिंदों को आसरा मिल जाए, किसी राहगीर को छाया मिल जाए। तो कोशिश करिए, पेड़ लगाइए, पेड़ों के बहुत फायदे हैं। एनवायरमेंट लवर्स, देखिए कितनी तेज धूप है। इस टाइम शाम का वक्त है, फिर भी बहुत तेज धूप है और काफी गर्मी, ऐसे लग रहा है लू चल रहा है। लेकिन एक चीज मैं आपको दिखाऊंगा, जरा सा पेड़ों के पास आते हैं हम, ठीक, बल्कि आप देखिए दो कदम। ये तो मैंने दूर से इसलिए दिखाया थोड़ा वीडियो की वजह से, लेकिन अगर आप देखेंगे कि मैं जैसे पेड़ों के पास आऊंगा वैसे ही ठंडा होना शुरू हो जाता है मौसम। देखिए तो जैसे यहाँ पेड़ लगे हुए आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, तो दोस्तों देखिए कितनी गर्म है। यहाँ पे भी थोड़ा सी गर्मी हल्की सी है क्योंकि उधर बहुत तेज गर्मी थी, जैसे पेड़ों के पास आया कम हुई, और यहाँ जो एंटर करा मैंने ना, देखिए एकदम से ठंडी छांव और ठंडी हवा, एकदम से जो है टेम्परेचर डिफरेंस आ गया, 5-6 डिग्री मुझे लग रहा है, उससे भी ज्यादा आ गया। तो ये मजा है इन पेड़ पौधों का। तो मैं आप सभी लोगों से कहूंगा कि अगर आप लोगों के पास खेत हैं, आप लोगों के पास गार्डन है, आपके घर के पास कुछ एरिया है, तो वहां पे पेड़ लगाइए। पेड़ लगाइए, आपका जो है एयर पोल्यूशन से आप दूर होंगे, साथ ही साथ आपको ठंडी हवा मिलेगी। तो ये बहुत ही अच्छा काम है, नेक काम है, आप लोग करें। तो हमारे चैनल को यूं ही लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी ही हमारी वीडियोस को देखते रहें, और अपने कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है, हमें पेड़ लगाना चाहिए या नहीं, और आप लोग क्या पेड़ लगा रहे हैं, तो हमें जरूर बताइए।